जनपद संभल के थाना क्षेत्र हयात नगर पर भेजे हुए कोतवाली पुलिस ने छापा मारकर शस्त्र बनाने की दो फैक्ट्री पकड़ी। पुलिस ने मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवैध शस्त्र फैक्ट्री के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि थाना हयात नगर पर भेजे हुए कोतवाली पुलिस को क्षेत्र के जंगल में अवैध शस्त्र बनाने की जानकारी हुई, जिस पर हयात नगर थाना के उप निरीक्षक अमित कुमार व भेजोई कोतवाली प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस बल के साथ अपने अपने क्षेत्र में छापा मारा। छापे के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें हयात नगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला नवाब खेल सराय तरीन निवासी इकराम पुत्र मोहम्मद यूसुफ को रसूलपुर के बंद पड़े भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया, जबकि इसका साथी मुकीम पुत्र मुनीम भागने में कामयाब रहा। वहीं भेजोई कोतवाली पुलिस ने वसुंधरा बेली के अंदर बने ट्यूबवेल के पास से प्रेमपाल निवासी ग्राम बाजपुर थाना धनारी को गिरफ्तार किया, जबकि इसका साथी आजाद सैफी निवासी मोहल्ला पट्टी यकीन अहमद थाना सहजबान भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने मौके से अवैध शस्त्र और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए। वे लोग अवैध शस्त्र बनाकर आसपास के गांव के लोगों को बेचते थे। प्रधानी के चुनावों में अपने द्वारा बनाए गए शस्त्र खपाने के जुगाड़ में थे। तो संभल में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे लगातार अभियान के तहत आज दो थाना क्षेत्रों में अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें हयात नगर में जंगल ग्राम रसूलपुर के बंद पड़े भट्टे में पकड़ा गया है। यहां पे अभियुक्त इकराम था, जो लगातार इस क्षेत्र में अवैध असलहे बनाता था और ऑन डिमांड सप्लाई करता था। इसमें जो बंदूक है 15,000 रुपये में, 12 बोर 4,000 रुपये में और 315 बोर 5,000 रुपये में बना करके बेचता था। लोगों को जैसी डिमांड होती थी उस हिसाब से ये लोग बना बना करके सप्लाई करते थे। अभी ये शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसी के साथ भेजोई थाना क्षेत्र में हमारे यहाँ वसुंधरा वैली के अंदर बने ट्यूबवेल के पास से एक अपराधी प्रेमपाल, जो शस्त्र बना करके बेचता था, वो पकड़ा गया। वो भी इसी तरीके से ऑन डिमांड सप्लाई करता था और पैसे अर्निंग करने के लिए बेचता था। अब ये गिरफ्तार हुए हैं। टोटल इसमें 17 बने और 4 अधबने तमंचे बरामद हुए हैं, जिसमें राइफल भी है और सिंगल बैरल भी है। और इसके अलावा जो पूरे अपैरेटस हैं सामान बनाने के, अवैध असलहे बनाने के सामान हैं, वो पूरे बरामद हुए हैं। इनको अब विधिक कार्रवाई की जा रही है, जेल भेजा जा रहा है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। लगातार ऐसे जो भी नोटोरियस लोग हैं क्षेत्र में अवैध शस्त्र बना करके बेचते हैं या सप्लाई करते हैं, उनके खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। दोनों थाने में कितने असलहे बरामद हुए? 17 बने और 4 अधबने असलहे बरामद हुए हैं। और इसके अलावा जो पूरा सामान बनाने का है उपकरण, वो पूरा बरामद हुआ है।